हाँ तो प्यारे छात्र, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। और आपको आज बता रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है 10th का एग्जाम हुआ है, और 10th के एग्जाम के बाद काफी सारा स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम रहता है कि सर हम कौन सा स्ट्रीम लें, आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें कि साइंस लें, कौन सा सब्जेक्ट लें। वो सब्जेक्ट में काफी ज्यादा कन्फ्यूजन रहता है उसके घर के आदमी। पापा कुछ और कहते लेने के लिए, मामा कुछ और कहते लेने के लिए, मामी कुछ और कहती लेने के लिए, उसके दोस्त लोग कुछ और कहते लेने के लिए, उसके फ्रेंड लोग कुछ और कहते लेने के लिए, उसको कुछ और लेने का मन रहता है। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिसमें सारा चीज एकदम क्लियर करके बता दिया जाए कि अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन सा जॉब आपको प्राप्त कर सकते हैं, कॉमर्स लेते हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन सा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा चीज का इस वीडियो में हम बढ़िया आपको बताने वाले हैं कि अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या चीज में इंटरेस्टेड है, कौन सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, ये सारा चीज। और लास्ट में आपको हम ये भी बताएंगे कि आप कौन सब्जेक्ट लीजिए, कौन सब्जेक्ट को आप पसंद कीजिए, ये सारा चीज हम बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए, ठीक।